हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक माय चैनल फॉर कुकिंग लवर्स। आज हम बनाने जा रहे हैं ये मशरूम की सब्ज़ी। मशरूम के बहुत ही अलग अलग टाइप के मशरूम होते हैं। इसे हमारे साइड तो भोड़ो पीरी कहा जाता है, पैरा पीरी भी कहा जाता है, और सभी साइड इसे अलग अलग नाम से पुकारा जाता है। ये बहुत ही स्वादिष्ट होता है। ये जंगली सब्ज़ी है, ये साल में एक बार मिलता है बारिश के मौसम में, इसे ज़रूर खाना चाहिए। ये देखिए, इस प्रकार की मशरूम है। इसके छोटे फूल होते हैं और लंबे लंबे जड़ होते हैं। इसे 4 से 5 पानी अच्छी तरह से धुल लीजिए। इसे एक एक करके अच्छे से क्लीन कर लेते हैं और इस प्रकार से इसकी जड़ को कट कर लीजिए। इसी तरह आप सारे मशरूम को धुल लें और इस तरह से कट कर लेते हैं छोटे छोटे। देखिए, सारे मशरूम हमारे कट हो चुके हैं। अब इसे हम फ्राई करने की तैयारी करते हैं। उसके लिए हमने लिया ये 2 प्याज है मीडियम साइज़ के, पतले पतले हमने काट कर लिया, और 2 टमाटर हैं, और जिंजर गार्लिक का पेस्ट है, और हरी मिर्च। और ये देखिए, हमने मसाला खड़े मसाले डाल दिए हैं और प्याज भी डाल दिए हैं। अब डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट और हरी मिर्च। इसे हल्का होने तक भून लें, ब्राउन होने तक। अब हम मसाला ऐड कर देते हैं। धनिया पाउडर 1 टेबल स्पून, अब 1/2 टेबल स्पून गरम मसाला, 1 टेबल स्पून लाल मिर्च है, और 1 टेबल स्पून हल्दी पाउडर है। इसे थोड़ा सा भून लें। ये मसाले भून चुके हैं और इसमें हम टमाटर डाल देते हैं कटे हुए, और इसे भी कुछ देर भूनने दें, ढककर पका लें 5 मिनट तक। ये देखिए, हमारे मसाले अच्छी तरह से पक चुके हैं। अब इसे हम कटे हुए मशरूम को मिला देते हैं। आप इसे ज़रूर ट्राई करिएगा मेरी रेसिपी को देखकर, और कमेंट पे बताइएगा कि कैसा लगा। इन्हें अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं और करीब 15 मिनट अच्छी तरह से पकने देते हैं, और बीच बीच में आप चम्मच चलाते रहें इसे खोलकर, और ये पानी को छोड़ता है, ये धीरे धीरे पानी छोड़ेगा। इसे ढक देते हैं। ये देखिए, हमारे मशरूम ने पानी छोड़ना भी स्टार्ट कर दिया है। कुछ देर और पकाएंगे इसे ढककर। और जिसने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो बेल आइकन पर जाके सब्सक्राइब कर दें, और लाइक कमेंट करना ना भूलें। मैं आपके लिए इसी प्रकार के नए नए रेसिपीज लाती रहूँगी। ये देखिए, हमारी सब्ज़ी रेडी हो चुकी है। थैंक यू फ्रेंड्स।